नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहित कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्विन लाइफ में TRC20 का नेटवर्क क्यों यूज़ किया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को एकदम ध्यान से समझना। देखिए, आप लोगों के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए होंगे कि हम लोग डार्विन लाइफ में TRC20 का ही नेटवर्क क्यों यूज़ करते हैं, पॉलीगॉन का क्यों नहीं यूज़ करते, मैटिक का क्यों नहीं यूज़ करते, BTC का क्यों नहीं यूज़ करते एंड इथेरियम का क्यों यूज़ नहीं करते। तो इतने सारे नेटवर्क हैं, इन सभी नेटवर्क को छोड़ करके हम लोग TRC20 के नेटवर्क को क्यों यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में कंप्लीट जानकारी दूंगा। बस आपको इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना है और ध्यान से देखना है। तो चलिए गाइस, बिना कुछ देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने पिछली कुछ वीडियोस में मैंने एक ब्लॉकचेन की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरी ब्लॉकचेन के बारे में एनालाइज कर दिया है, पूरे ब्लॉकचेन के बारे में एकदम सिंपल वे में ब्लॉकचेन के बारे में समझाया। तो आपने अगर ब्लॉकचेन की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, नहीं तो ये वीडियो आपको क्लियरली नहीं समझ में आएगी। ओके, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, नए हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले ब्लॉकचेन के बारे में समझिए, फिर उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिए। ओके, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या समझा था कि जो बाकी के ब्लॉकचेन है, जैसे BTC हो गया, बिटकॉइन हो गया, इसका नेटवर्क का क्या है, SHA-256 कहते हैं। इथेरियम को क्या कहते हैं, TRC20 हम लोग इथेरियम को कहते हैं। और ट्रोन के नेटवर्क को क्या कहते हैं, हम लोग TRC20। ट्रोन के नेटवर्क को क्या कहते हैं, हम लोग TRC20। लेकिन डार्विन लाइफ में हम लोग इसी नेटवर्क का यूज करते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए गाइस, मैंने ब्लॉकचेन की वीडियो में क्या कहा था कि ये जो SHA-256 है, इसकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट है, ये 5 ट्रांजेक्शन पर सेकंड में देता है, 5 ट्रांजेक्शन पर सेकंड में। और वही इथेरियम की देखी जाए तो 20 ट्रांजेक्शन पर सेकंड में देता है, इथेरियम की 20 ट्रांजेक्शन पर सेकंड में। लेकिन वही चीज अगर हम ट्रोन में देखें, या मैं कह दूं TRC20 में देखें, तो यही चीज हो जाता है, 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड, 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। अब देखिए, बिटकॉइन के अगर हम लोग ब्लॉकचेन का यूज करें, बिटकॉइन के नेटवर्क का अगर हम लोग यूज करें, तो इसमें क्या लगता है, इसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है और ट्रांजेक्शन भी बिल्कुल स्लो है, 5 ट्रांजेक्शन पर सेकंड, और सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन का चार्ज बिटकॉइन को लगता है। फिर आ जाती है इथेरियम की बात। इथेरियम में भी देखिए गाइस, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन का चार्ज लगता है एंड ट्रांजेक्शन जो है कम समय में हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है पर सेकंड में, ठीक है। लेकिन वही हम लोग ट्रोन की बात करें, TRC20 की बात करें, तो ये 2000 ट्रांजेक्शन विद इन पर सेकंड करता है और इसमें जो चार्ज है वो बहुत कम लगता है, बहुत कम लगता है, इनफैक्ट इन दोनों के मुकाबले बहुत कम लगता है। ओके, तो ये ट्रोन का जो TRC20 का जो नेटवर्क है, इसलिए यूज किया जाता है और ये फास्टली ट्रांजेक्शन करता है विद इन पर सेकंड में। ओके, तो इन दोनों के मुकाबले सबसे ज्यादा तेज कौन सा साबित होता है, ट्रोन का नेटवर्क। ओके, अब आप लोग कहेंगे कि पॉलीगॉन भी है, मैटिक भी है, तो पॉलीगॉन और मैटिक का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि बिटकॉइन का अपना ब्लॉकचेन है, इथेरियम का अपना ब्लॉकचेन है और ट्रोन का अपना ब्लॉकचेन है, लेकिन पॉलीगॉन और मैटिक का खुद का ब्लॉकचेन नहीं है। तो इसलिए हम लोग पॉलीगॉन और मैटिक का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने ट्रोन को ही ज्यादा स्पेसिफाइड किया है, ट्रोन को ही इतना ज्यादा ऑथोराइज दिया है। ओके, तो हम लोग ट्रोन के नेटवर्क यानी TRC20 को यूज करते हैं डार्विन लाइफ के ट्रांजेक्शन में।
ओके, बिटकॉइन और एथेरियम को क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि इसकी जो ट्रांजेक्शन चार्ज है ये ज्यादा है और ट्रांजेक्शन का जो लिमिट है ये भी कम है। ट्रांजेक्शन का लिमिट कम है और ट्रांजेक्शन चार्ज ज्यादा है। और ट्रोन का देखा जाए तो ट्रोन का जो ट्रांजेक्शन चार्ज भी कम है और ट्रांजेक्शन जो लिमिट है वो सबसे ज्यादा हाई है। और पॉलीकॉन और मैटिक का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है। बिटकॉइन का खुद का ब्लॉकचेन है, इथेरियम का खुद का ब्लॉकचेन है, ट्रोन का खुद का ब्लॉकचेन है, लेकिन पॉलीकॉन और मैटिक का खुद का ब्लॉकचेन नहीं है। तो अब आप कहेंगे, आपके माइंड में बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग टाइमिंग लाइफ से विड्रॉ लेते हैं, लेकिन विड्रॉ 24 घंटे 12 घंटे 8 घंटे ऐसा क्यों लगता है। ये भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि इतना चार्जेबल क्यों लगता है, इतना टाइम क्यों लगता है आपको विड्रॉ लेने में। देखिए, टाइमिंग लाइफ एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, ठीक है। देखिए, एक दिन में कितनी विड्रॉ होती है, कम से कम लाखों करोड़ों विड्रॉ होते हैं एक दिन में टाइमिंग लाइफ से, ठीक है। तो उन विड्रॉ जैसी विड्रॉ होती है तो उन सभी को एप्लीकेबल देना, यानी जो सही टिक है उसको देना बहुत ही मतलब टाइम लगता है, रियर चांस होता है, बहुत कम होता है। पहले आपका जो भी विड्रॉ होगा वो टाइमिंग लाइफ क्या करेगा, देखेगा कि आपने TRC20 से ही करा है, ओके। तो अगर TRC20 से करा होगा तो ये आपका टिक हो जाएगा। आपने कितना विड्रॉ किया है ये भी आपका टिक हो जाएगा। फिर दूसरी चीज आ जाती है कि आपने किस आईडी से किस आईडी में भेजा है, किस आईडी से किस आईडी में भेजा। मान लीजिए आपने अपने आईडी से बाइनेंस में भेजा था तो वहां से भी आपका जो है वो टिक हो जाएगा। तो जब ये तीन चीजें टिक हो जाते हैं तब आपका जो है पूरा एप्लीकेबल हो जाता है, तब आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से खैर टाइमिंग लाइफ को इतना समय लगता है तो आपको भी इतना समय। खैर TRC20 का तो नेटवर्क है वो तो 2000 पर सेकेंड देना ही देना है उसको। तो अगर एप्लीकेबल जल्दी हो जाए तो ये तो स्पेसिफाइड है, करना ही है इसको ट्रांजेक्शन, ओके। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि टाइमिंग लाइफ में TRC20 का जो नेटवर्क है इसको क्यों यूज किया जाता है। कंप्लीट जानकारी पता चल गई ना। अगर आपको टाइमिंग लाइफ के पूरी डिटेल हिस्ट्री के बारे में समझना है और आप नए हैं और आप पूरी टाइमिंग लाइफ की हिस्ट्री के बारे में समझना चाहते हैं कि टाइमिंग लाइफ कब आया, कैसे आया, कौन है इसका मालिक, किसने बनाया है और कहां से बिलोंग करती है, कहां से चल रही है, इंडिया से चल रही है, USA से चल रही है, कहां से चल रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपके लिए कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं टाइमिंग लाइफ के बारे में, बहुत ही स्पेसिफिक। खैर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है टाइमिंग लाइफ की, लेकिन मैंने पूरी कंप्लीट जानकारी हिस्ट्री के बारे में नहीं समझाया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि टाइमिंग लाइफ है क्या, टाइमिंग लाइफ को कैसे यूज करा जाता है, टाइमिंग लाइफ की एक एक्चुअली में वैल्यू क्या है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके लिए पूरी कंप्लीट जानकारी बताऊंगा टाइमिंग लाइफ पे। तो आई होप आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आई होगी, ठीक है। तो गाइस, मेरे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक प्लेटफॉर्म है एंड टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पे भी मेरे को फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को टच कर देना। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।